नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओम इंजीनियरिंग वर्क्स। आज हम देखेंगे ओम ऑयल फिल्टर प्रेस मशीन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ऑयल फिल्टर पंप को फिल्टर की ऊंचाई के लिए दी हुई फ्रेम में फिट करेंगे। अगर आपको फिल्टर की ऊंचाई बढ़ानी है तो ये फ्रेम की जरूरत पड़ती है। फिल्टर की ऊंचाई की फ्रेम ऑप्शनल है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से हम बड़े आराम से ऑयल फिल्टर को फिट कर रहे हैं। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑयल फिल्टर को फिट करने में कोई काबिलियत की जरूरत नहीं है, इसे कोई भी आदमी आराम से फिट कर सकता है। हमने दोनों फ्रेम को और पट्टी को नट बोल्ट से फिट कर दिया है। अब हम फिल्टर की बड़ी ट्रे को फिल्टर की ऊंचाई की फ्रेम में रखकर उसके ऊपर फिल्टर की फ्रेम को नट बोल्ट से फिट करेंगे। अब पहली फिल्टर की प्लेट को फ्रेम में रखेंगे। ये फिल्टर प्लेट में दोनों साइड ऐसी सिस्टम दी हुई है कि आप कोई भी साइड में नल को फिट कर सकते हैं। अब हम इस फिल्टर की प्लेट में कपड़ा फिट करेंगे। यहाँ पे आपको कपड़ा फिट करने के लिए स्क्रू साथ में दिए गए हैं। ओम इंजीनियरिंग वर्क्स की ओर से आपको दो कपड़े के सेट दिए जाते हैं, एक कॉटन कपड़े का सेट और एक नायलॉन कपड़े का सेट। यहाँ पे पहली फिल्टर की प्लेट में दोनों सेट के सिंगल सिंगल कपड़े बीच में नट लगा के फिट करने हैं। यहाँ पे पहले कॉटन का कपड़ा रखना है और उसके ऊपर नायलॉन का कपड़ा रखकर बीच में नट को फिट करना है। अब इस नट को हाथों से जितना टाइट हो सके उतना टाइट करना है और बाद में स्पेनर की मदद से और ज्यादा टाइट करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि नट को टाइट करते वक्त कपड़ा नट के साथ हिलना नहीं चाहिए। नट टाइट करके दोनों कपड़े को अच्छी तरह से ठीक करना है। अगर कपड़ा अच्छी तरह से ठीक नहीं होगा तो दूसरी प्लेट अच्छे से इस प्लेट से चिपकेगी नहीं और वहाँ से लीकेज का प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हम दूसरी प्लेट को फिल्टर की फ्रेम में रखकर कपड़े फिट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले फिल्टर की प्लेट के ऊपर कॉटन का कपड़ा रखना है और उसके बाद नायलॉन का कपड़ा रखना है।
और बाद में फिल्टर की नट को स्पैनर की मदद से टाइट करना है। यहाँ पे हम नायलॉन का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नायलॉन के कपड़े में से कचरा बड़ी आसानी से साफ हो जाता है। अब पहले की तरह नट और स्क्रू को स्पेनर की मदद से अच्छी तरह से टाइट करना है और कपड़े को अच्छी तरह से ठीक करके पहली प्लेट से चिपका देना है। अगर आपको कोई भी कैपेसिटी का ऑयल फिल्टर खरीदना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब इसी तरह से सभी प्लेट में पहले कॉटन का कपड़ा और उसके ऊपर नायलॉन का कपड़ा फिट करना है। अब सभी प्लेट में कपड़े को फिट करने के बाद इसमें हम नल को फिट करेंगे। नल को फिट करने के लिए सभी प्लेट में थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी, उसके बाद सभी नल को फिट कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले से ही नल को फिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आखिरी प्लेट को रखना है और उसमें नल को फिट करना है। इस आखिरी प्लेट में बिना छेद के दोनों कपड़े को प्लेट के बीच में रखकर अगली प्लेट से चिपका देना है। अब आखिरी में फिट किए हुए स्क्रू को प्लेट की तरफ आगे लाकर हाथ से जितना हो सके उतना टाइट करना है। बाद में स्क्रू को टाइट करने के लिए हमने एक पाइप दिया हुआ है, उससे स्क्रू को टाइट करना है। इस स्क्रू को टाइट करने से सारी फिल्टर प्लेट एक दूसरे से चिपक जाती है, जिसे फिल्टर प्लेट में आने वाला ऑयल प्लेट के साइड में नहीं निकलता। ये ऑयल कपड़े में से फिल्टर होकर नल से ही बाहर आता है। अब स्क्रू को टाइट करने के बाद हम फिट करेंगे ऑयल कलेक्शन ट्रे, जिसका काम नल में से फिल्टर किए हुए ऑयल को एक साथ इकट्ठा करना है।
यहाँ पे हम दोनों पट्टी को नट बोल्ट से फिट करेंगे। अब दोनों पट्टियों को फिट करने के बाद ऑयल कलेक्शन ट्रे को उसके ऊपर रख देना है। इस ऑयल कलेक्शन ट्रे को आप आगे या पीछे की साइड में झुका सकते हैं, जिस तरह आपको रखना है उस तरह। अभी हम फिट करेंगे पाइपलाइन को। यहाँ पे आप नॉन रिटर्न वाल्व में एरो देख सकते हैं। अंदर जाते हुए एरो में इनलेट की पाइपलाइन लगेगी, जहाँ से हमारा बिना फिल्टर किया हुआ ऑयल पंप में जाएगा। पंप में से बाहर निकलते हुए एरो में फिल्टर को जोड़ने वाली पाइपलाइन फिट होगी। तो देखिए दोस्तों, बड़े ही आसानी से और कम टाइम में ऑयल फिल्टर मशीन का फिटिंग हो गया। ऑयल फिल्टर मशीन के कैपेसिटी वाइज मॉडल की जानकारी के लिए आज ही हमारा संपर्क करें। ऑयल फिल्टर मशीन कैसे काम करता है, उसका वीडियो देखने के लिए वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जय हिंद।